गुड इवनिंग फ्रेंड, प्लॉट साइज 20 फीट बाय 30 फीट फेसिंग साउथ के लिए तैयार किया गया प्लान स्क्रीन पर आपके सामने है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है ये। इसमें दो बेडरूम के साथ साथ लिविंग रूम, टॉयलेट, किचन और स्टेयरकेस का प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। इस जगह पर 6 फीट की चौड़ाई में गेट रखना है और ये एरिया ग्राउंड एरिया से 1 फीट 6 इंच ऊपर है और फिर यहाँ से 6 इंच ऊपर प्लिंथ हाइट है। आप इसे अपने सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। और सामने में ही देख रहे हैं स्टेयर केस है, दो फ्लाइट में बटा हुआ। दोनों फ्लाइट की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है। यहाँ ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच रखा गया है जबकि राइजर 7 इंच है। इस साइड से आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। ये लैंडिंग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट है। लैंडिंग से ऊपर इधर 2 फीट 6 इंच के चौड़ाई में वेंटिलेटर का प्रावधान करना है और यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। यहाँ डी का प्रावधान किया गया है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। ये सामने लिविंग रूम है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 5 इंच है। इधर अग्निकोण में किचन का प्रावधान किया गया है। किचन का साइज कुछ इस प्रकार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 4 इंच है जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट है। इस साइड में एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है जिसका डेप्थ रखा हुआ है 1 फीट 3 इंच और इधर 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। 2 फीट 3 इंच की चौड़ाई में ये कुकिंग प्लेटफॉर्म रखना है। उसके बाद में देखिए ये कट है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 4 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 फीट है। लिविंग रूम में इस साइड में 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। ये 2 फीट 6 इंच के चौड़ाई में ये पैसेज छोड़ा हुआ है और उसके बाद में पीछे 2 बेडरूम है। ये बेडरूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 10 फीट। इसमें एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है, यहाँ सेल्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट रखना है और डेप्थ इसका 1 फीट 6 इंच है। और इस साइड में 2 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। पीछे ये कट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 9 इंच और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 फीट 6 इंच। और दूसरा बेडरूम ये है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 9 इंच है और यहाँ से लेकर करके यहाँ तक 12 फीट है। इसमें आगे और पीछे 2 विंडो का प्रावधान किया गया है। दोनों विंडो का साइज 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच रखा हुआ है। तो फ्रेंड यही था आज का प्लान। ये देखिए ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट 5 इंच में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर यहीं आएगा आपका स्टेयरकेस और ये छोटा सा बालकनी का काम करेगा। तो इस पर आप आसानी से फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक बनाएंगे। और ये देखिए ये सभी स्टिफनर्स को दर्शाया गया है। एक्चुअली सभी स्टिफनर्स को प्लिंथ हाइट तक 10 इंच बाय 10 इंच में रखना है और उसके बाद में सुविधा अनुसार इसको सप्रेस कर देना है। वॉल सभी 5 इंच थिक रखा हुआ है एबव प्लिंथ हाइट। लोड बेरिंग वॉल है इसलिए स्टिफनर्स को हम सप्रेस कर सकते हैं, इससे स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू।